क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबीसी की भुजा है, एबी का मध्य बिंदु डी है। ए बी सी, एबी का मध्य बिंदु क्या है? डी। भुजा बीसी पर पी कोई बिंदु है, भुजा बीसी पर पी कोई बिंदु है। सी से एक रेखा पीडी के समांतर खींची गई है, सी से एक रेखा क्या खींची गई है? पीडी के पैरेलल को एक रेखा खींची गई है, ठीक है, जो एबी को क्यू पर मिलती है, जो एबी को क्यू पर मिलती है, ठीक है। तब यहां से हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज बीपी क्यू बराबर होगा हाफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। चलिए तो प्रूफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बीपी क्यू, बीपी क्यू कौन है? एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू ना, जिसको जरा मिला दीजिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बीपी क्यू किसके बराबर है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको एक चीज क्या मिला है, आपको तीन चीज इस क्वेश्चन में दिया है। पहला चीज क्या दिया है कि पीडी जो है पैरेलल है किसके? सीक्यू के। सेकेंड चीज आपको क्या पता है कि डी मिडिल पॉइंट है। तो डी मिडिल पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल है यहां से क्या हो रहा है, दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल दो बराबर भागों में बांट जा रहा है, ठीक है, डी से। तो डी मिडिल पॉइंट है तो डी को किससे मिलाना पड़ेगा? शीर्ष से मिलाना पड़ेगा। किसके शीर्ष से? डी के सामने जो भी ट्रायंगल का शीर्ष है उससे मिलाएंगे, तभी तो दो बराबर भागों में बटेगा, बिल्कुल। इसने क्या करते हैं, सी से डी को मिला दिया। तो जैसे ही हमने सी से डी को मिला दिया तो अब क्या होगा, अब ये ट्रायंगल दो बराबर भागों में बट गया। किस किस रूप में बट गया? यानी एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी बराबर मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। एबीसी को दो बराबर हम बांट दिया, कौन? सीधी रेखा, ठीक है। क्या क्यों? क्योंकि डी क्या है? मिडिल पॉइंट है। तो डी को किससे मिलाने पर गया? पी से तो भी डी मिल रहा है, पर पी से डी मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि एबीसी को दो बराबर बांटेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ से यदि मिडिल पॉइंट को मिलाए तभी वो ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए तो आपने निकालिए मिडिल पॉइंट से। अब दूसरा चीज आपको क्या पता है कि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तीन दोनों के बीच में जो त्रिभुज बनेगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीन के बीच में कौन त्रिभुज बन रहा है? पी डी क्यू। क्या कह देते हैं? ट्रायंगल पी डी क्यू, ट्रायंगल पी डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? पी डी सी के। कैसे क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसे हम कैसे देखते हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं, पीडी और सीक्यू पैरेलल है, ठीक है। तो हम पीडी से देख सकते हैं, तो पीडी के एक सिर से देख रहे हैं, मान लीजिए हम पी से चलते हैं, ठीक है। तो पी से चल रहे हैं और पीडी के दोनों कंबाइंड होना चाहिए, जो भी ट्रायंगल बन रहा है पीडी कंबाइंड होना चाहिए। तो पी डी क्यू ये ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। और एक और ट्रायंगल पीडी से रिलेशन कौन बन रहा है? पी डी सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बन रहा है। यदि हम सीक्यू से चलते तब देखें, अब यहां पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सीक्यू और पीडी के बीच में भी है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। यदि हम सीक्यू से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी क्यू पी, एक ट्रायंगल कौन बन गया? सी क्यू पी। एक और ट्रायंगल कौन बन जाएगा? सी डी क्यू। तो अब इससे चलते थे क्या हो जाता है, कौन सा ट्रायंगल बड़ा हो जाता? बराबर हो जाता। सी क्यू पी बराबर क्या हो जाता? सी डी क्यू, ठीक है। तो ये भी बराबर हो जाता है। हमें क्या पूछे, हमें प्रूफ क्या करना था, बी पी क्यू ना, तो बी पी क्यू, इसमें हम सर इसे ट्रायंगल रखेंगे। अब आ जाइए
तो ट्रायंगल बीपीक्यू को हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू बराबर बीपीक्यू। प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ बीपीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी प्लस एरिया ऑफ बीपीडी प्लस पीडीक्यू प्लस पी डी क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बीपीडी और पीडीक्यू, तो बी पी डी और पी डी क्यू, ठीक है। और यदि हम इसे कहें, क्या कहते हैं, बीसीडी को हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बराबर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी, बी पी डी प्लस क्या हो जाएगा, पी सी डी प्लस पी सी डी। अब ध्यान से देखिए, तो पीसीडी किसके बराबर आ रहा है, पीसीडी पीडीक्यू के बराबर है कि नहीं, यहां पर हमने निकाला क्या, पीसीडी जो है किसके बराबर है, पीडीक्यू के, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी प्लस पीसीडी के जगह क्या हो जाएगा, पी डी क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बीपीडी और पीडीक्यू किसके बराबर है, बीपीक्यू के बराबर है, ध्यान से देखिए, बीपीडी और पीडीक्यू किसके बराबर है, बीपीक्यू के बराबर है, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बीपीक्यू बी पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी को हमने क्या कहा है, हाफ एबीसी, इसमें बीपीक्यू को भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आई होप आपको